एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों 15 सीटों के लिए कर्नाटक में उपचुनाव किए गए थे, इन 15 सीटों पर टिकी है किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं। अगर बीजेपी को 6 सीटें नहीं जाती हैं तो फिर बीजेपी सरकार गिर जाएगी। लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद रिजल्ट के कुछ समय पहले क्या कहता है 15 सीटों के लिए ताजा एग्जिट पोल सी वोटर, इसके अलावा कई बड़े चैनल जो है कर्नाटक के उनने अपना ओपिनियन रख दिया है। तो 15 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें, बीजेपी ने वो कैंडिडेट उतारे हैं जो कि कांग्रेस और जेडीएस से बागी होकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो क्या बीजेपी को एक बार फिर से यहां पर बहुमत का आंकड़ा मिल पाएगा, इसके लिए 4 बड़े निश्चय का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। जादू तो सबसे पहले बात करते हैं आप पर पावर टीवी कर्नाटक न्यूज चैनल के अनुसार 15 सीटों के लिए जो उपचुनाव किए गए थे उनके लिए यहाँ पर एग्जिट पोल आ चुका है। इसके अनुसार बीजेपी को यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मिनिमम 8 से और 12 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। तो यहाँ पर पावर टीवी कर्नाटक न्यूज चैनल के एग्जिट पोल के अनुसार 8 से 12 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। बीजेपी को सिर्फ 6 सीट चाहिए अपनी सरकार बचाने के लिए। अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के लिए तो 3 सीटें से 6 सीटें यहां पर कांग्रेस को जा सकती हैं। वहीं जनता दल की अगर बात करें तो यहां पर 0 से 2 सीट यहां पर जनता दल मतलब जेडीएस के खाते में जा सकती हैं। तो कांग्रेस और जेडीएस के लिए सरकार में वापसी करने के लिए 12 सीट चाहिए तब वो बहुमत का आंकड़ा प्राप्त कर पाएंगी। वहीं अन्य चैनल के एग्जिट पोल के अनुसार पब्लिक टीवी यहां पर कर्नाटक न्यूज चैनल के अनुसार 8 से 10 सीटें यहां पर जा सकती हैं और यहां पर 3 से 5 सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में और 1 से 2 सीट यहां पर जेडीएस के खाते में जा सकती हैं। अगर तीसरे एग्जिट पोल की बात करें तो जो आया है बीटीवी के अनुसार यहां पर मिनिमम यहां पर कह सकते हैं कि 9 से 11 सीट यहां पर बीजेपी के खाते में जा सकती है, मतलब 9 से 11 सीट बीजेपी को और 2 से 4 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में और 0 से 2 सीट यहां पर जेडीएस के खाते में जा सकती हैं। वहीं सी वोटर के अनुसार अगर बात करें तो वोटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर जो सर्वे किया गया है उसके अनुसार इन 15 सीटों के लिए बीजेपी को यहाँ पर 12 सीट यहाँ पर जा सकती है सी वोटर के अनुसार इन 15 सीटों के लिए। वही कांग्रेस को यहाँ पर ओनली 3 सीट यहाँ पर जा सकती हैं और वही जेडीएस के लिए विन बाय इवन सिंगल सीट मतलब 1 सीट इनके खाते में जा सकती है इन 15 सीटों के लिए। यहाँ पर जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं अब सरकार में वापसी करती नजर आ नहीं रही है इन एग्जिट पोल के अनुसार। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन आंकड़ों में बदलाव देखने को मिल सकता है क्योंकि 9 दिसंबर को ही इसके फाइनल रिजल्ट आएंगे। लेकिन इससे पहले जो भी यहां पर एग्जिट पोल निकल कर सामने आ रहे थे उसके आंकड़े आपको दिखा दिए हैं। फिर भी आपको क्या लगता है इन 15 सीटों में से किस दल को कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।